नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है मोटो के G84 5G मोबाइल में आप किस तरीके से फिंगरप्रिंट ऐप लॉक लगा सकते हो, यानी कि ऐप लॉक लगाना बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कैसे आप उसमें फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप फिंगरप्रिंट से भी ऐप लॉक को ओपन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं अभी बताता हूँ बाद में। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, सबसे अच्छी एप्लीकेशन यही है गाइस, इसलिए आपको डाउनलोड करना होगा। और यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो अपने ऐप लॉक के लिए उसको आप रख लीजिए। उसके बाद राइट के निशान पर क्लिक कर दीजिए और फिर से यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर नो करना है और इस तरीके से आ जाएगा। तो आपको प्लस के आइकन पर जाना है और यहाँ से जितने भी ऐप्स को आपको लॉक करना है उनको सिंपली यहाँ से लॉक कर दीजिए। जैसे कि मैं अमेजोन को लॉक कर देता हूँ और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद ओके करना है और इसको परमिशन दे देना है। परमिशन यहाँ पर ऐप लॉक को इनेबल करना है और ओके करना है। फिर से आपको ऐप लॉक को ही इनेबल करना है और उसके बाद ओके कर देना है और अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद ये ऐप्स आपका लॉक हो चुका है। अभी आपको फिंगरप्रिंट को ऐड करने के लिए सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर पासवर्ड सेटिंग्स, यहाँ पर देखिए यूज फिंगरप्रिंट, इसको इनेबल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट भी ऐड हो जाएगी, जिससे कि आप जो है अपने फिंगरप्रिंट से ऐप को ओपन कर पाओगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अमेजोन को लॉक किया था तो देखिए अमेजोन पर लॉक लगा हुआ है। जैसे हम फिंगर देंगे तो भी ये खुल जाएगा, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो पासवर्ड भी यहाँ से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ऐप लॉक फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद ऊपर सर्च बार जो लिखा हुआ है सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिख देना है ऐप लॉक। जैसे ही आप यहाँ पर ऐप लॉक लिखेंगे तो मैं ऐप लॉक लिख करके सर्च कर देता हूँ, ऐप लॉक फिंगरप्रिंट लिख देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐप लॉक फिंगरप्रिंट लिखने के बाद ये वाला एप्लीकेशन रहा, ऐप लॉक फिंगरप्रिंट एसपी सॉफ्ट, इसका नाम है एसपी सॉफ्ट नीचे लिखा होगा। तो ये वाला ऐप आपको देख लेना, इसी को इंस्टॉल करना है बस। इसको इंस्टॉल करने के बाद पूरी सेटिंग आप कर दीजिए, बस आपका जो है ऐप लॉक सेट हो जाएगा।